आज हमारा है ब्लॉग का सेकंड डे और कल हम थे पंगोट पे 3 किलोमीटर का है एग्जैक्ट, तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। काफी टाइम बाद ट्रैक कर रहा ना, हो गया 2 महीना तो ही क्या हुआ हमारा कितना दूर है अभी सुन लिया ना, लेकिन कॉल लगा करके। अरे जो हमारे साथ बाकी ग्रुप भी आ रहे हैं ना, उनकी हालत ही हमारी थोड़ी पट्ट हो रखी है, तो आप लोग आओगे तो लंच ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके आना। ये फॉरेस्ट का मैगी पॉइंट है, फाइनली मैगी बनके तैयार है। हेलो गाइस, तो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा है व्लॉग का सेकंड डे और कल हम थे पंगोट पे, तो कल हम रुके थे साज होटल पे, तो काफ़ी अच्छा था होटल वो। तो आप जिसने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप जाके चेक करना। और अभी हम पंगोट से निकल चुके हैं, तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम कहाँ जाएँ, कैमल्स बैग, बारह पत्थर या चीना पीक या चाइना पीक, दोनों मतलब बोलते ही है, तो आपको जो सही लगता है आप वो समझो। ओके, तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाए, तो समझ नहीं आ रहा है अभी, तो हम रास्ते पे, तो अभी हम सोच रहे हैं, तो अभी डिसाइड करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो फिर अभी सब कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो चलो इन्हीं के मुँह से सुनते हैं। आप बताओ आप कहाँ जाओगे? ये बोले चाइना पीक। किशन भाई आप कहाँ जाओगे? चाइना पीक ही जाएंगे अब तो। दो हो गए चाइना पीक वाले, और आप बताओ आप कहाँ जाओगे? पता नहीं, मुझे लेके चलो। अरे बहन का ध्यान। और विमल भाई आप बताओ? मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि चीना पीक चलो। तो 3 जने हो गए चीना पीक वाले, ये थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा अभी, तो बता दो चीना पीक थोड़ा 6 किलोमीटर का अराउंड ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक है बस, हां बोल रहे हैं, तो मैं भी बोलता हूँ चलो फिर चीना पीक ही चलते हैं, ये तो कहीं भी चलो वाले, तो हम चल देंगे। ये है पंछी, हम जा रहे हैं चाइना पीक। चीना पीक, चाइना पीक बोलो या चीना पीक बोलो, चीना पीक जो भी है दोनों सेम ही है। चलते हैं और अभी हम आपको आगे मिलते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और आप देख सकते हो चीना पीक जाने का रास्ता ये है, 3 किलोमीटर का है देख सकते हो। कृपया जंगल में कूड़ा ना करें। एक शॉप ये है और इसके बाद सीधा 3 किलोमीटर में, तो आप यहाँ से पानी वानी मैगी वैगी खा के ही निकले, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और चलो फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो गाइस नीचे बोर्ड में लिखा था कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ओए गाइस 3 किलोमीटर क्या है बस, तो एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अब सीधा आपको एक शॉप नीचे मिल गई थी, इसके बाद आपको अगली शॉप मिलेगी सीधा 3 किलोमीटर ऊपर, फॉरेस्ट वालों का है, तो आपको मैगी वगैरह सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, तो आपकी मर्जी है आप यहाँ खाना चाहते हो या ऊपर खाना चाहते हो। मैं तो अभी से हाँफने लग गया।
अरे विमल भाई क्यों रुक गए तुम? अरे यहाँ देखो ये बोतल वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग ट्रैक पे आते हैं और बोतल ही छोड़ जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखो यार। और आपने नीचे बोर्ड में भी लिखा हुआ देखा होगा कि जंगल में कचरा करना मना है। काफी टाइम बाद ट्रैक कर रहा मैं। कितना टाइम बाद? हो गया 2 महीना तो हो गया बस। लेकिन तभी भी देखो ऐसे भाग रही है तो एक्साइटमेंट है ना। अभी जितनी एनर्जी दिख रही है ना, देखते हैं आते टाइम भी इतनी एनर्जी रहती है। तो गाइस हमारे साथ जो दो आए हैं वो काफ़ी पीछे छूट गए, तो अब थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं और उनका वेट करते हैं, क्योंकि हम एक दो शॉर्टकट मारेंगे तो फिर वो छूट जाएंगे, फिर वो लंबा आएंगे तो फिर हमें ऊपर वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि अभी हम यहीं पे वेट कर लेते, वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। जाते हो तुम? रिफ्रेशमेंट तभी दिख रहे हैं इतने चौड़े। ओम ये आप भी जाते जिम? घर पे ही वर्कआउट। कितना दूर है भाई लोगों? 1 किलोमीटर। तो भैया लोग बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर है। लास्ट टाइम जो आया था ना, या ब्लॉगर है कि उधर से आ रही है, क्या हुआ? बड़े लग रहे, बढ़िया। कितना कैलोरी बर्न हो रहा है बताओ? अमा कितना दूर है अभी? कितना होगा? आप यहीं रहते हो? अच्छा तो आप यहाँ किस काम? अरे बाप रे इतने दूर। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ ओके थैंक यू। तो आप देख सकते हो नैनीताल से यहाँ पे इतने दूर लकड़ी लेने के लिए आए हैं। बाप रे ये देखो ये लाइव आ रहे हैं, लाइव इन्होंने ये गाना एक ही गाना लगा के ना बोर कर दिया। बोर कर दिया यार, कहाँ भाग रही है देखिए। बताओ ये क्या सब दौड़ लगा रही खले चबा कब थक गए। अभी तक बोल रही थी अरे मैं तो दौड़ लगाऊंगी, देखा अब सुन लिया ना, देखे दौड़ लगा रही। दो बैंड करके 5-4 बैंड तो अभी क्रॉस कर लिए, अब बोल रहा है 2 बैंड और है। और ये 2 बैंड मेरे को बहुत ही खतरनाक वाले 2 बैंड लग रहे हैं, देख रहे हो? वो है वो इस पेड़ के पीछे फिर सीधा टॉप में जाना है ऐसे। बताओ अब मेरे को कुछ होप लग रही है कि अब पहुंचने वाले करके। मेरे को लगा ये यहाँ से हम पहुंच गए, लेकिन नहीं पहुंचे। दिखा दो ये देखो 2 बैंड और है, बस पहुंच गए ये। देखो ये दिख रहा है तुम्हें? कितने बैंड है? दो करके यार। देखो मस्त मौसम, नज़ारे मस्त, नज़ारे तो हम देख लेंगे। तुम 2 बैंड करके क्यों टोपी बना रहे हो बताओ? तुम अभी 2 बैंड है ये देखो सामने, उसके बाद 2 बैंड नहीं पहुंच गया, उसके बाद पहुंच गया।
देख रहे हो, बोल देते कि 8 बैंड है, हम यकीन मान लेते हैं। हमारे साथ हम तो आ रहे, जो हमारे साथ बाकी ग्रुप भी आ रहे ना, उनकी हालत ही हमारी तरह पट्ट हो रखी है। वो भी बोल रहे कितने बैंड है, हम बोल रहे 2 बैंड है। लेकिन 2 बैंड नहीं है, दूर तो है भैया, तो जब आओगे तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आना। एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक, वाटर, सब चीज लेके आना, आराम से छाता वाता भी ले आना। देखो यहाँ से शॉर्टकट मारा, लगे हमारे बराबर ही पहुंच रहे हैं लोग। वो देखो वो भाग गए, वो देखो इनको छोड़ के भाग गए वो। वो देखो गोली। हर ग्रुप में एक होता ही है, लेकिन ऐसे जैसे ये है ना, ये टोपी बना रहा है वैसे, देखो वो भी भाग गए। वन बैंड है, मतलब अब तो अगर वन बैंड नहीं होना तो तेरा बजाएंगे हम यहीं पे बैंड, अब और कुछ नहीं होता है अब। ये भाई भी थक चुका है, ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया। MTP हसल 32 दोबारा बोलो। मैं नहीं तो कौन बे, मैं कौन इधर। वाह कहीं नैनीताल व्यू, एकदम अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट। पहले एक बैंड तो खत्म हुआ है तुम्हारा, 2 बैंड तुम्हारे, 2 से अब तुम एक में आ गए, और तुम्हारा लास्ट बैंड है, देख रहे हो क्या बोले। MTP हसल भी थक गई, देखो अब तो कह रही है मैं नहीं तो कोई नहीं बोला। अबे यार वो लास्ट में या फिर एंड, आधे घंटे से बोला 2 बैंड, ठीक है अब 15 मिनट हो गया, अब बोला 1 बैंड, और 1 बैंड भी बोल रहा है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि अब 1 बैंड बचा है। थकान तो लगी रही है वाकई। तो आप लोग आओगे तो लंच ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके आना, तुम सोचोगे कि ऊपर जाके खाएंगे आराम से तो ना हो पाएगा, तो ऊपर पहुंच ही नहीं पाओगे तुम। वो सामने दिखाओ वो हट, हट। फाइनली एक बैंड बोल के, अभी भी 3 बैंड है वो। तो फाइनली हम पहुंचने ही वाले, अब होगा करीब 500 मीटर होगा, करीब था यार 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, नीचे लिखा 3 किलोमीटर का, लेकिन है तो अच्छा खासा ही। हालत पट्ट हो गई पट्ट। अब थोड़ी देर अब बैठेंगे हम फॉरेस्ट का, यहाँ पे मैगी पॉइंट टाइप से बना रखा है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे हेवन की तरफ। तो आपको दिखाएंगे अभी यहाँ से नैनीताल का लोकेशन ना, एक नंबर, आप भी खुश हो जाओगे। और यहाँ से रात को नैनीताल बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ज़्यादा। एक बैंड और है, मैंने सोचा 500 मीटर है, एक बैंड और है, देख रहे हो सही टोपी पहना रहे हैं लोग। एक बैंड करके पता नहीं 20-25 बैंड आ गए, कितने बैंड है, एक बैंड और एक बस हो गया, एक ही बैंड। फाइनली पहुंच ही गए, मरते धरते लटकते लुटकते रेंगते हुए पहुंच गए। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आपको यहाँ की जगह दिखाता हूँ। तो गए, ये है चीना बाबा का मंदिर, और ये यहाँ से है नैनीताल का लोकेशन, जहाँ से दिखता है चीना पीक। तो यहाँ से अब होगा करीब 100-200 मीटर होगा, ये फॉरेस्ट का मैगी पॉइंट है। तो फिर आप जब पूरा अच्छे से ट्रैक करके आ जाओगे ना, उसके बाद अगर थक जाओगे तो आप यहाँ पे मैगी वैगी खा के चाय वाय पी के थोड़ा सा चिल कर सकते हो। तो बताओ फिर 3 किलोमीटर का ट्रैक आपको कैसा लगा? आप तो पता ही नहीं चला। ये अभी कुछ कहने के हालत में नहीं है, थोड़ा पानी पी रहे हैं, इनको थोड़ा चिल करने दो, सांस लेने दो, फिर इनसे आराम से बात करेंगे। तो आप बताइए कैसा था आपका एक्सपीरियंस 3 किलोमीटर का ट्रैक? तो हम पहले बार भी आ चुके थे, हाँ। अब इस बार आए तो उतना वो नहीं लगा मुश्किल,
क्योंकि इससे पहले हम वहाँ भी गए थे मुंचारी में हिलटॉप, वो तो इससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा था हाइट पे। वही वहाँ का तो है 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है। आप बताओ। बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, ऑसम एक्सपीरियंस। ऊपर से ऊपर। तो एक बार ऐसा करो, फिर एक बार दो बैंड तुम भी एक बार नीचे जाके फिर ऊपर आओ। हर बैंड में पुशअप मारेंगे। तो अभी विमल भाई को एक चैलेंज मिल रहा है कि अभी ये कितने पुशअप मार सकते हैं। तो विमल भाई आप रेडी हो पुशअप मारने के लिए? कितने मार दोगे अभी? अभी तुम जस्ट चैलेंज है इनके लिए। चलो ये और मैं करते हैं, तो विमल भाई और मैं करते हैं अब, ठीक है? तो मैं भी अब मार ही लेता हूँ। तो फिर हम पुशअप्स मारते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। टैलेंट है, हमेशा एड में ही देखा होगा 2 मिनट में बनती है मैगी। तो हम खा रहे हैं मैगी इस ब्यूटीफुल लोकेशन में, तो आपको मिलते भी थोड़ी देर बाद।
आ चुके हैं लोकेशन से चीना पिक। तो हम यहाँ पे बैठे करीब दो घंटे समथिंग बैठे होंगे, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्लाउड मतलब आ रहे थे जा रहे थे, उसके टाइमलेस मतलब एक नंबर। तो गाइज आप भी आना, काफ़ी अच्छी जगह है, आपको मतलब सुकून मिलेगा। अगर आप नैनीताल आते हो, आप नैनीताल में मार्केट में घूमते हो वो भी अच्छा है, बट क्या कहते हैं तुम चीना पिक आओगे तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ की वाइब भी अलग है, नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे जो पीस है ना, मत पूछो, वो आप फील कर सकते हो। तो मैंने तो बहुत सही से फील किया है। तो आप भी आना और चीना पिक को एक्सप्लोर करना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था यहाँ का चीना पिक का। और बाकी लोग आगे चले गए तो मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था, तो वीडियोस बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। उनने फ़ोटोज़ वगैरह खींची तो उनका तो काम पहले ही हो गया था, तो मैं एक दो शॉट सही वाले शॉट लेने का वेट कर रहा था, मेरे को मिले आई होप। अब मैं घर जाके चेक करूँगा कि मेरे को कैसे शॉट मिले। और आप बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर करना, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप बताइए आपको वीडियोस कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, और आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी मतलब चीना पिक का एक्सपीरियंस पता चले कि चीना पिक का मतलब कैसा ट्रैक है, क्या है। तो फिर फटाफट चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे। गाइस फाइनली हम पहुंच गए अब नीचे। अभी डाउन में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डाउन में हमें लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, लेकिन चढ़ाई में थोड़ा बहुत टाइम लग गया था। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अब मैं भी करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। और क्या बताऊँ, इनसे भी पूछ लेते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस था। ये तो मेरे से पहले ही पहुंच गए थे, फटफट फटफट। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजे आए। मुझे आते समय बहुत मजे आए, शेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल शेक नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं थके हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। हम रात भर सोए नहीं है, 1 घंटा सोने के बाद इतना रिफ्रेश दिख रहे हैं, फिर होने को फ्रेश। ये देख रहे हो, सोए नहीं है, 5 बजे सो गए, 1 घंटे 6 बजे उठे, 6 बजे उठे हम। तो कर दे फिर दूसरा ट्रैक भी, कर दे कहीं से 12 पत्थर या कैमल्स बैक, फिर तो 12 ही बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करे। आप भी गए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट हमारा एक्सपीरियंस को आप वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा कैसी हालत हो चुकी थी, कैसा था। तो फिर अब सीधा मिलेंगे आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग पे, और नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं अब कहाँ का होता है। तो तब तक का खुश रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय एंड पीस आउट एंड ओवर एंड आउट, बाय।